हमारे साथ अध्यक्ष साहब मौजूद हैं। इतने बड़े कार्यक्रम को इन्होंने सुचारू रूप से किया और बॉलीवुड के जाने पहचाने हस्ती यानी कि राजपूत समाज से जितने भी लोग आए हैं, आन बान शान राजा सिंह बुंदेला जी को आपने बुलाया यहाँ पर, बहुत बढ़िया उद्बोधन। खासकर इस जाति को और चौहान समुदाय के, या जिस प्रकार से राजपूतों की कमियां दिखाई दे रही है, जिस प्रकार से आप लोग संगठित नहीं हो पा रहे, आज एक बहुत बड़े संगठनात्मक कार्यक्रम में सभी लोग सम्मिलित हुए हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, पहले तो मैं सभी पदाधिकारियों को, हमारे संरक्षक मंडल को और हमारे जो चीफ गेस्ट आए हुए श्री राजा बुंदेला और हमारे जसपुर से आए हुए श्री विक्रमादित्य जी को, सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं बधाई देता हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम में आए और हमारे इस प्रोग्राम में आकर के चार चांद लगा दिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, चूंकि कमियां दूर करने के लिए हमने एक संगठन बनाया है, हमें शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे गरीबी के क्षेत्र में या कुरीतियाँ हमारे अंदर, हमारे समाज के अंदर कुरीतियाँ, उनको दूर करने के लिए इन सारी चीज़ों के लिए हमने फोकस किया है जी। हमारे बच्चे जो पढ़ नहीं रहे हैं उनको हम पढ़ाने के लिए, और जो हमारी बच्चियाँ हैं जो अशिक्षा के रूप में रह जाती हैं उनको हम पढ़ाने के लिए, हम सबको सभी समाज के लिए कहते हैं कि आप बच्चों को पढ़ाएं, और जिससे हम आगे, हमारा नाम हो, हमारे समाज का नाम हो, हमारे माँ बाप का नाम हो। राजा जी, खासकर आप ये संगठन के लिए मैं पूछना चाहूंगा, जितने लोग यहाँ पर सम्मिलित थे, जिस जिम्मेदारी के साथ इन्होंने इस कार्यक्रम को आज रचा, सभी को संगठित करने में ये लोग समर्थ रहे, इस संगठन के लिए क्या कहेंगे? क्षेत्रीय समाज एकता मंच रजिस्ट्रेशन, ये मेरे सामने सर, मैं इनको लगातार 10 साल से देख रहा हूँ, बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं, आपको कैसे लगे? ये सब बहुत बधाई के पात्र हैं, एक ऐसे समाज को इन्होंने इकट्ठा करने की कोशिश की जो बिखरा हुआ है, जो विचारों के लेकर मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं है, तो वो मनभेद इन्होंने जोड़ा है और मतभेद को खत्म करने की कोशिश की है। और जैसा आपने बताया कि बच्चों की शिक्षा, दवा, गरीबों की मदद, ये सब संगठन कर रहा है, इसके साथ ही साथ समाज को ऊपर लाने की, समाज को पहचान बनाने की इनकी अद्भुत कोशिश है। जिस तरह दूसरे समाज के वर्ग, जाति वर्ग खड़े होकर आज अपनी पहचान बना रहे हैं, मुझे उम्मीद है कि इस संगठन के माध्यम से राजपूताना वर्ग भी ऊपर आएगा और अपने काम से अपना नाम रोशन करेगा। राजा साहब आएंगे, इनके लिए दो जी, आज हम लोगों के लिए बहुत ही सौभाग्य का दिन है, पूरे समाज के लिए, पूरे संगठन के लिए। हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान राजा बुंदेला जी आए, इन्होंने हम लोगों को जो बताया, बहुत ही सुंदर संदेश दिया, और जो ये तो जिस क्षेत्र से, इन्होंने अपने क्षेत्र के बारे में बताया कि सच्चे कि हिंदुओं के बारे में, हिंदुओं में खास करके राजपूतों के बारे में, जबकि हम लोग हर तरीके संपन्न हैं, लेकिन आपस में जो विघटन रहा है, इसकी वजह से जो दिखाया गया, प्रदूषणों जो प्रदूषण थे, निर्देशक थे, उन्होंने जिस तरीके से हमारे समाज का दिखाया, वो बहुत गलत रहा। हम लोगों ने आपसी मतभेद में, आपसी उस पर ध्यान नहीं दिया, और ये जो आज संदेश मिला है, आदेश मिला है, इस चीज को हम लोग फॉलो करेंगे। अगर कोई भी मीडिया, कोई भी अगर हमारे समाज के लिए जिसका कोई बेस नहीं, अगर गलत दिखाएगा, तो उसका हर तरीके से हम लोग उसका विरोध करेंगे, 100% विरोध करेंगे। और आपकी बात को मैं आगे बढ़ाऊंगा, इस संगठन में एक एक विधि का भी, जो जो वकील लोगों का भी एक आप वो रखिए, जो इस तरह की चीजों पर जब कभी कोई ऐसा लिखे, कोई ऐसा कार्य करे, तो एक संकलन आपका लीगल जरूर, हर कम्युनिटी में लीगल है, और अगर आप अपना लीगल रख लें, बहुत सारे राजपूतों में सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, हाई कोर्ट में वकील हैं, उनको इकट्ठा करके वो इस पर नजर रखें, तो देखिए लोग डरेंगे। आदमी सांप को काटने के लिए मना किया है, फुफकारने के लिए थोड़ी मना किया है, फुफकारते रहिए जब भी वो मौका मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद।